गोल। हाँ इस बार गोल हुए भाई साहब, इस बार गोल हो जी। या जियो जी, खराब नहीं ना होंगे अंडा जी? खराब नहीं है आज जी जीता दोस्तों। नमस्कार प्रणाम, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। सो दोस्तों इस वीडियो को ना इवनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग दोस्तों यहाँ का नजारा देख सकते हैं, वहाँ पे चिकुए जो कि डांस करे, बगल में कोई पार्टी है या छठियार या बर्थडे होंगे, छठियार पे गाना बज रहे हैं तो चिकू डांस। छठियार दोस्तों बच्चा हमारे यहाँ कोई जन्म लेते हैं ना तो उनके यहाँ छठियार होते हैं, तो ज्यादातर लोगों मतलब ज्यादातर लोग ना छठियार करते हैं, तो वही छठियार है तो गाना उना बज रहे तो उसी को वही गाना सुनकर चिकू डांस कर रही है। इसे दरवाजा पे टीचर रूम का दरवाजा पे। और अभी दोस्तों इवनिंग का समय हो चुका है ना, तो आज दोस्तों बहुत दिनों के बाद देखिए विराट भी ए गिर जाओगे ना जी जी या जियो जियो। चिकू ने दोस्तों बहुत ज्यादा डांस करती है, चिकू को डांस का मतलब क्लास करवाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे कुछ अच्छे जगह पे ना, तो पढ़ाई के साथ साथ ना डांस क्लास भी चिकू को पकड़ाएंगे। और छोटी सी है फिर भी उतना अच्छा डांस कर लेती है। हाँ कैसे करती है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम लोग को तो अच्छा लगता है। कैसे करती है चिकू? यस अभी थोड़ा ये हो रही है देखिए, ये गिरी के इधर आ जा। अभी तो इवनिंग का समय हो चुका है, तो खाने में दोस्तों आज ना अंडा करी बनाएंगे बहुत दिनों के बाद, तो गुड़िया जी आज बनाएंगे, तो देखिए दोस्तों कैसे गुड़िया जी जो कि अंडा करी बनाते हैं। और आप लोगों को बता दूं यहाँ पे जो डॉगी है ना ये यहीं पे पहले ही आकर बैठी हुई रहती है और देखती रहती है वहीं पर कि आप जहाँ पे खाना हम लोग बनाते ना वहीं पे देखती रहती है कि कब खाना बनेगा, कब खाना बनेगा, कब ये लोग खाएंगे तो हमें मिलेगा खाना, मिलेगा खाना बनेगा। और सुबह शाम और दोपहर में यही रहते हैं, यही रहते। एक और रहता है वो कुत्ता है, कुत्ता है डॉग है, ये डॉगी है, वो डॉग है तो वहाँ पे बैठा हुआ है नाली में, गर्मी कर रहा है ना वो इसी चलते स्नान कर रहा है, स्नान कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग से उम्मीद करता हूँ जो लोग दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों लाइक कर दीजिए। और गुड़िया जी का दोस्तों तबीयत है जो कि अच्छे लग रहे हैं, अच्छा है ना जी? बिल्कुल बहुत अच्छा। गुड़िया जी का दोस्तों तबीयत ठीक है और आज दोस्तों अंडा करी बनाएंगे, खुद दाब करके गुड़िया जी खाएंगे। हमको भी डांस करना नहीं कर रहा है ऐसे दोस्तों, मेरे को ना उतना डांस मतलब आता नहीं है, गुड़िया जी इतना सीख लूंगा। हमें भी नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत हल्का, चलिए थोड़ा बहुत हल्का कर लेते हैं। तुमको आता है डांस जी? हां करो डांस, डांस आता है तुमको, डांस कर दो। बर्तन उतन जो कि वास हो गए हैं, करी चावल बनाइएगा कि रोटी? करी चावल ही बनाइए, अंडा करी के साथ चावल ही अच्छा लगता है। दोस्तों हम लोग जो कि अंडा फोड़ेंगे और बहुत दिनों के बाद दोस्तों गुड़िया जी बनाने वाले हैं अंडा करी की सब्जी, क्योंकि गुड़िया जी को दोस्तों जरूरत है इस चीज का। खराब नहीं होंगे अंडा जी? खराब नहीं है अंडा दोस्तों, सही है। ये देखिए 8 तो दोस्तों अंडा लाए हैं जिसमें से 3 तो मैं खा जाऊंगा, गुड़िया जी खाएंगे 3 तो खराब नहीं है जी? नहीं जी खराब नहीं है। सो दोस्तों किन किन लोगों को अंडा की सब्जी? चिकू विराट भी खाएंगे एक दो, तो वो सब तो खाएंगे ही खाएंगे। थोड़ा फ्राई होंगे ना उसी समय, बिना अथी ऑमलेट बनेगा ना इस समय दोस्तों, थोड़ा खा लूंगा मैं एक दो अंडा, एक अंडा तो खा लूंगा इसी। और आज का दोस्तों मौसम ना हमारे यहाँ का बहुत ही अच्छे किए हुए, थोड़ा बारिश जैसा किए हुए, फिर धूप निकल गए। घोर दीजिएगा आप, ठीक है? आप ही काटेंगे तो ना, काटिए आप, काटिए उधर हरा मिर्च। दोस्तों 8 अंडा है जो कि फोड़ दिए हैं, आप लोग को दोस्तों दिखाता हूँ, धो देते हैं इसको अच्छा से। हरा मिर्च दोस्तों काफी ज्यादा अच्छे हैं, देख लीजिए एकदम लगता है कि आज का टूटा, आज आधे का टूटा हुआ है ऐसा लग रहा है। प्याज भी ना, प्याज, हाँ प्याज भी डालिएगा ताकि अच्छा लगे। सो दोस्तों अंडा फोड़ कर मैं जो कि डाल दिया हूँ, अभी गुड़िया जी प्याज काट करके डाल दे रहे हैं इसमें, कैसा लगेगा खाने में आज? बहुत ही बनाएंगे तब ना अच्छा लगेंगे। दोस्तों अंडा चिकू के पापा जी तो फोड़ ही दिए थे और हम प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिए हैं और हरी मिर्च और नमक अब डालना है।
कितना में हो जाएंगे? हाँ, आराम से। क्या और डालें? डालिए थोड़ा और डालिए। अब इसे मिक्स कर देते हैं। अच्छा तो ज्यादा फूलेंगे थोड़ा देरी तक, मतलब हाँ पूरा पूरा मिलाएगा ना तो ज्यादा फूलेंगे। इधर चावल देख लीजिए, चावल खोल रहे। सो दोस्तों, अंडा में जितने भी सामग्री डाले थे उसे अच्छे से मिला लिए हैं। और चीकू के पापा जी हमें आज एक बात बताएं कि अंडा को जितने ही मिलाइएगा उतना ज्यादा फूलते हैं, फूलेंगे। तो हम पहली बार सुने हैं आपसे। सही सही बता रहे हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि सही है कि सही बात है। हमारी टीम में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नहीं मान ली की पोंछवा रहता है तो फूलता नहीं ना, उसी को घोड़वा दीजिए ना। हाँ। तो फूल जाते हैं, देखिए इतना बड़ा हो जाएगा। आज सही बता रहे हैं। हाँ सर। चलिए अब जल्दी जल्दी अंडा जो कि बनाइए। तो ना लग रहा होगा कि तावा धोया हुआ नहीं है, लेकिन ये तावा ना धोया हुआ है, बट ये जंग लग गया है। लोहा का है ना, प्योर लोहा है। हाँ। तो इसीलिए रोटी भी जल जाते हैं। हाँ, सीजता नहीं है रोटी और जल जाते हैं। तो लेना पड़ेगा तावा लेने के लिए। क्या लेकर चला है? हॉर्लिक्स वाला डब्बा। सोच रहा हूँ हॉर्लिक्स होगा इसमें। तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मसाला जो कि पिसाने के लिए जा रहे हैं। गुड़िया जी लेकर के जाएंगे, मसाला पीसेंगे और टेस्टी अंडा कढ़ी आज बनाएंगे। तावा है जो कि हिट हो गए हैं। अभी सरसों तेल डालेंगे और देखते हैं बहुत दिन के बाद अगर बनाते हैं तो सही से बनता है या नहीं कढ़ी चावल। थोड़ा कम फ्लेम कर देते हैं। तेलवा लगे कि ज़्यादा हो गया? ठीक है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया ना। डालें? डालिए। कि कैसे डालें? दो बार डालेगा? कैसे डालिएगा? नीचे उतार कर डालते हैं। डालिए। अरे वाह, ये तो आधा ऐसी हो गया ना, दो बार में हो जाएंगे। बारह तावा है तो। हाँ। बोले ना ज्यादा फूले गए, बर्री की तरह है। ये तो बहुत ही दोस्तों टेस्टी देखने में लग रहे हैं अंडा। खाने में कितना अच्छा लगे वो तो पता चलेगा बनने के बाद में। खाने में पता चलेगा बनाने में अच्छा बना दिए और खाने में सुगंध अच्छा आ रहा है ना। हमें तो नहीं आ रहे अभी। हमें दोस्तों अच्छा महक रहे हैं। कैसा है चिकू अंडा? अच्छा महक रहा है ना। तुमको नहीं खाना ठीक है? नहीं खाना जी। हाँ पला जी, प्लेटे प्लेटे। हाँ दोस्तों देखने में तो बहुत ही मस्त लग रहा है। टूटना नहीं चाहिए। नहीं टूटता, नहीं टूटता। सही दोस्तों अंडा जो करीब करीब बन गया है। चलिए निकालिए ऑमलेट। ऐसे निकाल? हाँ उसे निकालिए। नहीं निकालिए उसे, तो लगा कि रोटी है जी। रोटी है सही, तो अंडा का रोटी हो गया ना। ये देखिए दोस्तों इस तरह का बना है। गोल बन नहीं बनेगा जी, ये पसार ही जाएंगे। ज्यादा ये घोल दिए ना, इसी चलते पसार जा रहे हैं। क्या होगा इस फेस में? तेल लगा ले। अच्छा से डालिएगा चारों तरफ आराम से। हाँ डालिए, अच्छे से फैलाइए। ठीक 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 एकदम गोल कर दीजिए। गोल 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 गोल। हाँ इस बार गोल हुए भाई साहब, इस बार गोल हो गए। बोले गोल अच्छा से कीजिएगा, फर्स्ट टाइम अच्छे से गोल नहीं कर पाए थे ना। तो अब दोस्तों अंडा जो कि पलटने की बारी आते हैं। फर्स्ट टाइम दोस्तों उतने अच्छे ऑमलेट नहीं बन पाए, देखिए सेकंड टाइम में बहुत ही मस्त शायद बन सकते हैं। अभी तो कुछ नहीं कर सकते। अरे अच्छा से अच्छा से। क्या क्या बोलते हैं उसे, क्या डोसा? हाँ डोसा की तरह हो गया। पलटिएगा लेकिन अच्छा से, तब ना पलट जा पलट जा। बहुत बड़ा है, हो सकता है कि अच्छा से पलटा ही ना, टूट भी जा सकते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। पलटते हैं, पलटिए। अरे ठीक होना है, डोसा की तरह लग रहा है देखने ना ये। और एक ही बार तो गुड़िया जी ना बहुत ही अच्छा अच्छा ऑमलेट जो कि निकाल रहे हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। लगता है कि दुकान खोलना पड़ेगा। हम बनाते जाएंगे और आप बेचते जाएंगे। कस्टमर आएंगे तब ना ऐसे बिक जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा बनाए हुए, आप लोग बताइए कि आप लोग को अच्छा लग रहे हैं ना। और इधर भी लास्ट है, बस लास्ट हटाओ। चलिए बड़ा बड़ा है, नहीं तो गोल गोल बनता ना।
चलिए ठीक है। अब दोस्तों सब्जी जो कि बनाएंगे, मसाला पीस है नहीं ना, ना जाके पीस दीजिए ना। जा रहे हैं मसाला दोस्तों, हम प्याज और टमाटर काट, मैं दोस्तों जा रहा हूँ मसाला पीसने के लिए। गुड़िया जी प्याज टमाटर काट लेंगे ताकि मतलब जल्दी से खाना बन जाए। तो चलिए आप इधर कीजिए। और एक छोटा सा क्या बना रहे हैं जी? ये थोड़ा सा बच लास्ट वाला दोगे को दीजिए। मच्छर बना का बनाए जी? दोस्तों मसाला है जो कि मैं पीस लिया हूँ, ये दोस्तों लेकर के चलता हो गया चावल। गुड़िया जी दोस्तों इधर मार पसा रहे हैं भात में से। हम लोग दोस्तों भात बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, है ना, इधर चावल बोलते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज जो कि हम लोग का है ना वो भात है। मसाला पिसा गया दोस्तों, चावल भी बन गए, अंडा भी दोस्तों जो कि ऑमलेट जो कि बना दिए। अब दोस्तों बारी आती है गुड़िया जी दोस्तों हमें ना दे रहे अंडा खाने के लिए। सो मेरी टी फैमिली आप लोग खा लीजिए, सो मेरी टी फैमिली आप लोग खा लीजिए। कैसा लग रहा है दोस्तों खा करके आप लोग को बताता हूँ। बहुत दिन के बाद अच्छा लग रहा है। आप दीजिए तो ना, ना सब्जी आप ना सब्जी खाइए, अगर खाना ही है ना दोस्तों थोड़ा सा दे दीजिए, अब पानी दे दीजिए और उसके बाद सब्जी बनाइए। और देखिए दोस्तों आप लोग दोस्तों देखिएगा गुरु जी किस तरह से सब्जी जो कि बनाते हैं, हम अच्छा आपसे बना लेंगे। दोस्तों सरसों तेल ना हम मार्केट से जा कर के ले आए थे, अब अच्छा चलता है ना, नहीं तो डेली दोस्तों डेली ना जाना पड़ता है, मतलब पहले तो डेली जाना पड़ता था सरसों तेल लाने के लिए, ज्यादातर जाने पड़े थे, अब कुछ मतलब दुकान में कम जाते हैं ना। हाँ। पहले की तुलना में सब्जी उब्जी लाना रहता है तब जाते हैं। प्याज टमाटर है जो कि भून दिए हैं और अब बारी आती है मसाला की। तो इसमें है लाल मिर्च और लहसुन और काली मिर्च और जीरा और लहसुन है, और इसे डालकर अब इसे फ्राई करते हैं। इसमें ज़्यादा सीझने उजने में टाइम नहीं लगता है कि ऑलरेडी अंडा जो कि पका हुआ रहता है। लहसुन मसाला फ्राई कीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए और खोला दीजिए, उसके बाद अंडा है जो कि डाल दीजिए। मसाला जल रहे हैं हल्का। बुढ़िया जी सारे भागे, छीक आ गए, तो छीक आ गया ना। और देखिए धूप से एकदम सारे फूलें जो कि मुरझा गए हैं। हाँ, और इधर आप लोग दोस्तों देख लीजिए फूल का नजारा, इतना ज्यादा धूप पड़ रहा है ना हमारे यहाँ, इतना ज्यादा गर्मी पड़ रहा है ना, जिसके वजह से फूल का हालत खराब हो चुका है ना। अभी दोस्तों सूर्यवान जो कि अस्त हो गए, कुछ देर पहले ही अस्त हो गए, और चुकू विराट जो कि उधर गए हुए हैं, गाना बज रहा है ना उधर दोस्तों। और शाम के समय में ना यहाँ बहुत ही क्या ही बोलूँ, बहुत ही मजा आता है, अच्छा लगता है दोस्तों। हम लोग हंसते हंसते ना यहाँ पे, मतलब यहाँ का फीलिंग एकदम अलग है, कहीं पे यहाँ से चले जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए क्या नजारा है, बहुत ही है ना, यहाँ से तो और भी मस्त है भाई, मेरा घर तो और किचन था तो और भी अच्छा लगता है। नहीं किचन हट टूट गया तो दोस्तों अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट करिए। हाँ सही में किचन दोस्तों टूट गया तो अच्छा लग रहा है, ऐसे अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट कर देते हैं। देखिए किचन टूटा, किचन अगर था ना तो ये पूरा नहीं दिखते थे, लेकिन किचन हट गया ना तो अच्छे लग रहे हैं, नहीं देखते। और ये दोस्तों हमारे नाना जी जो कि लगाए हैं, अच्छा चलिए ठीक लग रहे हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। हो गया पानी में डाल करके और फ्राई होने दीजिए। A few minutes later. फ्राई हो गए हैं, कितना देर तक फ्राई किए गुदे जी? 5 मिनट, 5-6 मिनट। मसाला में और पानी डाल देना, इतना भी हम लोग खा लीजिए ना। हाँ तो और का ठीक तो है, अंडा के हिसाब से डालिएगा, एक कढ़ाई पानी डाल दीजिए और थोड़ा सा अंडा डालिए, अच्छा लगे ना, ऐसी मजाक कर रहे हैं। भैया जी को तो आते हैं खाना बनाने, अगर नहीं बोलेंगे तो हम पे भड़क जाएंगे। सही में आते हैं, आते हैं भाई, आप टेंशन मत लो, आते हैं दोस्तों भैया जी को खाना बनाने। ये हमारी जनता हमारी यूट्यूब फैमिली बताएंगे बनाने आते हैं कि नहीं भैया जी को खाना, आप लोग कमेंट करके नहीं आते हैं, आते हैं नहीं आते हैं। कढ़ी को ना थोड़ा खोलने देंगे, खोल जाएंगे उसके बाद दोस्तों अंडा जो के डालेंगे। कि इधर है वो दोनों जी? वो उधर गया हुआ है। तो
सो मेरी ब्यूटी फैमिली, ग्रेवी जो कि खोल गए हैं अभी दोस्तों अपने हाथों से गुड़िया जी, जो कि अंडे को ना धीरे धीरे फैला रहे हैं कढ़ाई में। भाई लग रहा है गुलाब है, उससे उससे छीट रहे हैं, फूल है का डालिया पूरा दिया है, डालिया पूरा लग रहा है ना जैसे कि फूल छीट रहे हैं उससे। ले सब डाले, थोड़ा छोड़ दीजिए खाने के लिए ना। हाँ जी सही बोल रहे, तो अब दीजिए ढक दीजिए, डाल दीजिए बाद में डालिए गुरु जी ना, इसी टाइम डाल के ढक। अब हो गए हैं, अब उतारेंगे। अच्छा ज्यादा नहीं डालेंगे, ज्यादा नहीं डाल, तीता हो जाता है ज्यादा डालने से। आहा अच्छा सुगंध आने लगेगी। रख लिए ना, हम जा रहे थे कि रख लीजिएगा। तो मैं सोच रहा था ना कि मेरे लिए रखें, गुड़िया जी बोल रहे हैं कि चीकू विराट के लिए हम रखें। चलो कोई बात नहीं, कि वो लोग ग्रेवी के साथ अंडा नहीं ना खाते हैं। हाँ अंडा दोस्तों वो लोग ग्रेवी के साथ नहीं खाएंगे, तो ऐसे ही देना पड़ेगा चावल पे। तो दोस्तों ग्रेवी हो जाते हैं, उसके बाद दोस्तों आप सभी से मिलते हैं। ग्रेवी हो गए उस दिन में दोस्तों रात हो जाएंगे। खाना ग्रेवी हो जाएगा तो खाना उना खाएंगे ना। तो चलिए खाना उना की लगाने की दोस्तों तैयारी हम लोग करते हैं, और खा करके दोस्तों बताते हैं बहुत दिन के बाद खाएंगे तो कैसा लगता है अंडा की सब्जी। सो दोस्तों खाना जो कि पूरी तरह से बन गए हैं, कढ़ी चावल और दोस्तों मैं दिखा दूँ, यहाँ पर देख लीजिए फैन जो कि लगाए हुए, ये देखिए ताकि हवा लगते रहे। यहाँ पर बैठ जाते हैं हम लोग और खाना खाते हैं। कैसा लग रहा जी? और ये दोनों ना कार्टून देख रहे हैं, मतलब इन लोग को कार्टून चाहिए चाहिए, बच्चे लोगों को कार्टून देखना हाँ। ही देखना है। तो किन लोगों को दोस्तों घर में ये समस्या है, समस्या ही है, बच्चे लोग कार्टून देखते हैं। तो अब क्या करें, निकालिए खाना, निकालिए खाना, खाओ जी ये दोनों लोग खाना खाइए। दोनों दम मुड़ी में मुड़ी सटा लेते हैं, तो देखिए गुड़िया जी कितना अच्छा सब देख रहा है, ये देखिए अजब लग। और दोस्तों देखिए कुछ दिन में जो कि रात हो जाएंगे, खाना दोस्तों अभी लग रहे हैं मेरा और गुड़िया जी का, और इसी में चीकू विराट भी खा लें। नहीं खाएंगे, फैन का हवा बहुत ही मस्त लगते हैं। अलग देना पड़ेगा उन लोग को, दे अलग देना पड़ेगा तो दीजिएगा अलग होता है बकत है। कुछ भी दोस्तों ऐसा मूवमेंट आएगा ना तो हम लोग मतलब हम मेरे को गुड़िया जी को बताएगा कि पापा ये देखो ऐसा 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 ना। अभी जो कि यहाँ पर देखिए अंडे जो कि लग रहे हैं थाली में, ठीक है और हल्का दीजिएगा। चलिए सो मेरी ब्यूटी फैमिली, जिन जिन को खाना है दोस्तों कढ़ी चावल आप लोग इसी में से खा लीजिए, गुड़िया जी के भी दोस्तों थाली में से आप लोग खा लीजिएगा, ज्यादा नहीं खाएंगे, खाइएगा ज्यादा क्या कढ़ी चावल और क्या खाइए। आ जाओ बच्चे लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाना खाओ, खाना खा लो चीकू, विराट आ रहा है जा। गुड़िया जी को ना बहुत मेहनत करने पड़ते हैं खाना खिलाने के लिए विराट और चीकू को, ये खा रहा है ना। चलिए ऐसे ऐसे करके दोस्तों खिलाना पड़ता है गुड़िया जी को, लो चीकू खाओ, अरे खा लो चुच्चे चुच्चे सब्जी नहीं है, बस थोड़ा सा सब्जी लपेट दी है। अभी चीकू के पापा जी खाना खाने के लिए पूरी तरह से दम रेडी हो गए, मेरे को बहुत जल्दी खाने का मन कर रहा है, क्योंकि भूख में जोड़ों के दोस्तों लग रहे हैं। मेरे को समझ, आप लोग खा लीजिए अंडा करे, जो जो लोग खाते होंगे आज चीकू के पापा जी सुबह के ही खाना खाए, एक ही बार के दोस्तों खाना खाए, इसलिए मेरे को लग रहा है जल्दी जल्दी खाऊं ऐसा लग रहा है, लेकिन आराम से ही दोस्तों खाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको खाना नहीं आता, जल्दी खाइएगा नहीं तो दांत में फंस जाएंगे यार, इनका दांत है जो कि खराब है अंदर का। कैसा है जी करी चावल, सॉरी अंडा करी चावल? कैसा है? टेस्टी बना हुआ है, खाकर बताइए। अंडा खाइए, खाए तभी तो बताएंगे टेस्टी बना, खाइए ना, खाए ऑमलेट ही बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो सब्जी तो और भी दोस्तों बढ़िया बना हुआ। चलिए अब और हम भी अब खाते हैं। क्या बताओ कैसा बना हुआ है, हमें तो अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा कि नहीं? ये तो झोर है काडी, हम लोग दोस्तों झोर बोलते हैं देहाती देहाती भाषा में, लोकल लैंग्वेज झोर।
और ऐसे तो कड़ी बोल लेंगे। कैसा लगा? मिला जुला कर ठीक है, मिला जुला के अच्छा लग रहा है कि मिला जुला के नहीं, बहुत ही दोस्तों टेस्टी बनाए हैं गुड़िया जी। बोलो चिको। तो चलिए मेरी टी फैमिली, अभी हम लोग खाना वाना खाते हैं, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।